हेलो दोस्तों, हम सब की पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 डेट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो उसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन सर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है आपका वो बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, या तो माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का लेते हैं। तो आपको सिंपली माइक्रोस्कोप लिखना है। आपका जो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। तो ब्लू ग्रीन अलगी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, या फिर आपका जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, बेसिकली करता क्या है, जो आपका एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसी को फिक्स करता है। तो किसको फिक्स करता है, तो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन लिख लेना है। सी है अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। तो अल्कोहल जो प्रोड्यूस होता है किसके हेल्प से बनता है, हम लोग जब इसके बारे में पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि इसके थ्रू आपका ब्रेड और अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोलेरा इज कॉज्ड बाय। तो जो आपका कोलेरा है वो एक बैक्टीरिया डिजीज है। तो यहाँ पे लिख देना आपको बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम दिया गया विब्रियो कोलेरा, आप सिंपली बैक्टीरिया भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टेक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है ईस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ। अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में देख चुके हैं जो ईस्ट के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दिया गया, शुगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन और आपका अल्कोहल। तो सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स की बात करें तो यहाँ देखो अल्कोहल और ईस्ट, ये तो दोनों का दोनों क्या होता है, एंटीबायोटिक्स नहीं होता है। तो हम लोग दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। बच्चा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है। तो बच गया यहाँ पे स्ट्रोमाइसिन्स। तो यही स्ट्रोमाइसिन क्या है, आपका एंटीबायोटिक्स है। जब हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल भी आपको दिखाए थे। यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल देख सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और आपका टेट्रासाइक्लिन है। ये तीनों एग्जाम्पल आपका किसका है, एंटीबायोटिक्स का है। और एक आप पेनिसिलिन भी याद रख सकते हो, जो कि पेनिसिलियम जो आपका प्लांट होता है उससे ऑप्टेन हम लोग करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन्स। तो मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोन्स डिजीज होता है, वो किसके थ्रू होता है, तो बहुत सिंपल है, मलेरिया आपका मॉस्किटो के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, हाउस फ्लाई तो ये हो नहीं सकता, ये फूड पॉइजनिंग में काम करता है, बटरफ्लाई नहीं होगा और आपका कॉकरोच भी नहीं होगा। सिंपली जो आपका मलेरिया है मॉस्किटो से होता, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो आपको नाम भी याद रखना है, क्या नाम है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो ये नाम जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉमन कैरियर ऑफ कॉम्युनिकेबल डिजीज। तो कॉमन कैरियर ऑफ कॉम्युनिकेबल डिजीज क्या है, ऑप्शन क्या, एंट, एंट हो नहीं सकता, ड्रैगन फ्लाई भी नहीं होता है, स्पाइडर भी नहीं होता, तो क्या होगी आपका, हॉर्स फ्लाई। हॉर्स फ्लाई बेसिकली करता क्या है, कॉम्युनिकेबल डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। तो आपको सिंपली हॉर्स फ्लाई याद रखना है। नेक्स्ट आपका द ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज। आपका जो ब्रेड और इडली में जो डफ राइज होता है क्यों होता है, तो ब्रेड याद रख सकते हो अल्कोहल, और ब्रेड किसके थ्रू बनता है, आपका ईस्ट के थ्रू बनता है। तो यहाँ पे याद रखना है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल। शुगर से अल्कोहल में जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुत सिंपली फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे फर्मेंटेशन का डिफिनेशन देख लो, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। और इसमें एक चीज याद क्या रखना आपको, जो किसने डिस्कवर किया था, तो सिंपली लुईस पैचुअर ने। नेक्स्ट आपका मैचिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलम ए दिया हुआ है, यहाँ पे कॉलम बी दिया गया है, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच कराना है। पहले कॉलम ए को देखो, बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस है, ईस्ट है, प्रोटोजोन्स है और आपका वायरस है। तो यहाँ पे देखो राइजोबियम किस में काम आता है, राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो यहाँ पे सिंपली देखो फिक्सेशन नाइट्रोजन, तो राइजोबियम क्या हो जाएगा, फिक्सिंग नाइट्रोजन हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस है दूसरा, तो लैक्टोबैसिलस हम लोग देखे थे कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो लैक्टोबैसिलस क्या हो जाएगा, सेटिंग ऑफ कर्ड। फिर आपका क्या बचा, ईस्ट। अभी हम लोग बार बार बात कर रहे थे, जो ईस्ट है आपको, जो आपका ब्रेड या जो फिर बियर है या अल्कोहल है उसको बनाता है, तो ईस्ट का क्या हो जाएगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट आपका प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के थ्रू आपका क्या होता है, मलेरिया होता है। तो यहाँ पे देखो आपका कॉजिंग मलेरिया, तो क्या हो जाएगा, मलेरिया। वायरस और आपका बैक्टीरिया, बढ़िया, बैक्टीरिया से भी डिजीज होता है और आपका वायरस से भी डिजीज होता है। बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है, कोलेरा होता है, तो आपको क्या याद रखना है, कोलेरा। तो बैक्टीरिया कॉजिंग कोलेरा। और आपका अगर हम वायरस की बात करें, वायरस से क्या होता है, आपका एड्स होता है। यहाँ कुछ बैक्टीरिया डिजीज दिया गया, बैक्टीरिया डिजीज क्या क्या होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस डेट इज टीवी, कोलेरा और टाइफाइड,
वहीं अगर हम लोग वायरस की बात करें तो वायरस से मिसेल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए और आपका एड्स होता है, डेट इज HIV। और नेक्स्ट आपका प्रोटोजोन से कौन सा बीमारी होता है, डिजीज होता है, मलेरिया होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक्टीरिया कॉजिंग कोलेरा, राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रोटोजोन कॉजिंग मलेरिया और वायरस कॉजिंग एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। तो बहुत सिंपली है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डेट इज जो माइक्रोब्स है उसको तो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हम लोग किससे देखते हैं, तो आपका या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे या फिर आपका माइक्रोस्कोप से देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो माइक्रोस्कोप है बेसिकली करता क्या है, जो माइक्रोस्कोप है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या होता है, जो भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सैंपल होता है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको मैग्नीफाइज कर देता है, तभी हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आता है। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर ग्रुप्स क्या क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें तो 5 मेजर ग्रुप्स होता है। पहला क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, दूसरा फंजाई, प्रोटोजोन्स, चौथा आपका अल्गी और पांचवा आपका वायरस होता है। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर को समझाया था नोट्स के थ्रू, उसमें भी अच्छे से हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसी को एक बार हम लोग और डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें एक रिगिड सेल वॉल होता है। दूसरा क्या है आपका, बैक्टीरिया या तो यूजफुल होता है ह्यूमन के लिए या फिर आपका हार्मफुल होता है, यानी कहने का मतलब है कुछ बैक्टीरिया आपका यूजफुल हो गया, कुछ बैक्टीरिया आपका हार्मफुल हो गया। बैक्टीरिया को उसके हम लोग स्ट्रक्चर या शेप के भी पे ग्रुप करते हैं, कितने में ग्रुप करते हैं, 4 कैटेगरी में ग्रुप किए हैं। सबसे पहले है आपका स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल होगा उसको हम लोग कोकस या कोकी बोल देंगे। रोड शेप होगा तो उसको हम लोग बेसिलस या बेसिली कहेंगे। अगर कोमा शेप्ड होगा तो उसको हम लोग विब्रियम या फिर विब्रियो कहेंगे। वहीं अगर स्पाइरल होगा तो उसको हम लोग स्पाइरिलम या स्पाइरिला कहेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो इसको हम लोग कोकी बोल दिए, ये रोड शेप है तो इसको हम लोग बेसिली बोल दिए, यहाँ पे आपका स्पाइलर है तो इसको हम लोग स्पाइरिला या स्पाइरुलम कह दिए, यहाँ कोमा शेप है तो इसको हम लोग क्या कह दिए, विब्रियो कह दिए। तो ये 3 पॉइंट आप याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो, जो बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें अपना रिजिड सेल वॉल होता है। दूसरा क्या लिखोगे, बैक्टीरिया हम लोगों के लिए यूजफुल और हार्मफुल दोनों है। और तीसरा आप लिख सकते हो, जो बैक्टीरिया है उसके शेप के भी आप हम लोग अलग अलग ग्रुप में उसको कैटेगरीज करते हैं, जैसे कि स्फेरिकल को कॉकस बोल दिए, रोड शेप को बेसिलस, कोमा शेप को विब्रियम और स्पाइरल को स्पाइरुला कह दिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फंजाई की, तो फंजाई क्या होता है, फंजाई एक नन ग्रीन प्लांट होता है। तो नन ग्रीन प्लांट हो गया तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, आपका ऑटोट्रॉपिक पार्ट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं हेटरोट्रॉपिक होगा, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, खाना अपना नहीं बनाएगा यानी किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होगा। अगर हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो 2 टाइप का होगा, एक पैरासाइट्स होगा, दूसरा स्पोरोफाइटिक होगा। पैरासाइट का मतलब क्या हो गया, ये अपना जो न्यूट्रिएंट है किसी लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म से लेगा। स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है, ये अपना जो न्यूट्रिएंट है किसी डेड ऑर्गेनिज्म से लेगा या फिर ऑर्गेनिक मैटर से लेगा। और तीसरा पॉइंट याद सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, जो फंजाई है वो किसी अलग ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायंट यानी रिलेशन बना के रहता है। अल्गी के साथ अगर फंजाई का रिलेशन होता है उसको हम लोग लाइकेंस कहते हैं। वहीं अगर रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ रहता है उसको हम लोग माइकोरिजा कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज और याद रख सकते हो, फंगस एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलियम, ब्रेड और बियर बेसिकली यूनिसेलुलर फंजाई जो कि ईस्ट होता है इसी से आपका ब्रेड और बियर बनता है। तीसरा प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं, प्रोटोजोन्स भी क्या होता है, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इंडिपेंडेंटली रहता है और कुछ एज अ पैरासाइट रहता है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, किसी लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट को यूज करता है। जो प्रोटोजोन्स होता है उससे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स में भी डिजीज होता है। यहाँ पे कुछ है ना एग्जांपल दिया गया है प्रोटोजोन्स का, जैसे कि अमीबा हो गया, प्लास्मोडियम हो गया और आपका पैरामीशियम हो गया। और आप लिख सकते हो प्रोटोजोन से ही हम लोगों के अंदर जो मलेरिया डिजीज होता है वो कॉज करता है। नेक्स्ट है अल्गी। अल्गी में हम लोग कह सकते हैं कि अल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी ये ऑटोट्रॉपिक हो गया। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो थैलोइड होता है। थैलोइड का मतलब क्या होता है, ऐसा थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ट्रू रूट लीफ स्टेन नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं अल्गी में क्या होगा, रूट नहीं होगा, लीफ नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा, कि जैसा ही कुछ ना कुछ और स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अल्गी कहाँ कहाँ पाया जाता है, मॉइस्ट स्टोन सॉइल और वुड में पाया जाता है। अल्गी भी आपका एसोसिएशन करेगा फंजाई के साथ तो लाइकेंस कहेंगे, या फिर अल्गी किसी एनिमल के ऊपर भी होता है, जैसे कि आप टोलोड बियर का एग्जांपल लिख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हो, जो आपका स्पेस ट्रेवलर होता है वो बेसिकली यूनिसेल
सेलुलर अल्गी का यूज करता है। नाम अगर याद कर सको तो कर लेना, क्रोलिला और आपका स्पाइरुलिना, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन आपका होता है। तो यहाँ पे चार टाइप्स हो गए। अगर हम लोग पांचवा बात करें वायरस की, तो वायरस के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो वायरस है बेसिकली वो किसी ना किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और आपका एनिमल भी हो सकता है। वायरस बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड हम लोग डीएनए या फिर आरएनए को कहते हैं। वायरस को हम लोग दो और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो वायराइट्स और जो प्रायन है वो किसका टाइप है, वायरस का ही टाइप है। कहने का मतलब है अगर न्यूक्लिक एसिड से कोई डिजीज होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है उसको हम लोग वायराइट्स कहते हैं, या सिंपल वर्ड में समझे तो वायराइट्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, प्रोटीन इसमें अब्सेंट होगा। वहीं अगर हम लोग प्रायन की बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट होगा। और एक चीज याद रख सकते हो, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज भी एक टाइप का वायरस है जो कि किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरस अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया में कुछ एग्जांपल याद रख सकते हो जैसे एचआईवी वायरस और आपका टीएमवी वायरस। अल्गी का भी कुछ एग्जांपल याद रख सकते हो, स्पाइरोगैरा और क्लाइमेडोमोनस। और एक बात अल्गी में याद रख सकते हो, अल्गी को हम लोग प्रीगर्जर ऑफ प्लांट भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा कि प्रीगर्जर ऑफ प्लांट किसको कहते हैं, तो सिंपली आपको अल्गी को कहते हैं, याद रखना प्रीगर्जर ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है, नेम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इन दी सॉइल। यहाँ पे सिंपली आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि एटमोस्फियर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की बात करें तो आपको राइजोबियम याद रखना है, एजिटोबैक्टर याद रख सकते हो, और ब्लू ग्रीन अल्गी याद रख सकते हो। ब्लू ग्रीन अल्गी का एग्जांपल अगर याद रखना है तो नोस्टोकॉप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन अल्गी। ब्लू ग्रीन अल्गी में आप नोस्टोक याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, राइट 10 लाइंस ऑफ द यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। सिंपली यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके लिए जो यूजफुल है, कैसे कैसे यूज है उसको आपको लिख देना है। तो सिंपली अगर हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड और केक में, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, दे आर यूज टू प्रोड्यूस अल्कोहल एट लार्ज स्केल। तीसरा है, इस इज यूज प्रिपर विनेगर। चौथा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उससे हम लोग वाइन्स भी बना सकते हैं। दे एक्ट एज अ क्लिनिक एजेंट एंड डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट इन टू मैनुअर। नेक्स्ट है आपका, डिस्ट्रॉय दी प्लांट एंड एनिमल डेड बॉडीज बाय डिकम्पोजिंग डेम। नेक्स्ट है आपका, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन ऑफ एटमोस्फियर। ये सब पॉइंट आपको लिखना है और याद कर लेना है। दे आर यूज इन मेकिंग मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। फिर नेक्स्ट है क्या, दे आर यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर फूड आइटम्स। नेक्स्ट है, दे हेल्प इन वेरियस मेटाबोलिक एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। तो इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको पता नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आपको क्या, कर्ड ब्रेड हम लोग बनाते हैं, वैसे ही अल्कोहल भी बनाते हैं, विनेगार भी बनाते हैं और आपका वाइन्स भी बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या करता है, जो आपका डेड ऑर्गेनिज्म होता है उसको डिकम्पोज करता है। तो डिकम्पोज करके क्या करता है, हमारे सराउंडिंग को क्लीन करता है। वैसे ही वेस्ट को क्या करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, मेन्यूअर में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हम लोग देखे थे कि कुछ है ना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं फूड आइटम के लिए, और कुछ आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। ये 10 पॉइंट आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हार्मफुल इफेक्ट है उसको लिखना है। तो सबसे पहले क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन एनिमल्स। बहुत सारे डिजीज होता है एनिमल्स में, जैसे कि आपका बैक्टीरिया कॉज डिजीज होगी, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस दैट इज टीबी हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, वायरस डिजीज हो गया आपका, प्रोटोजोन्स डिजीज हो गया। वैसे आप लिख सकते हो, इन कैटल द फूट एंड माउथ डिजीज इज कॉज बाय वायरस। कैटल में भी आपको फूट एंड माउथ डिजीज होता है जो कि किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। वैसे आप लिख सकते हो, जो माइक्रोब्स है वो प्लांट में भी डिजीज करता है, जैसे कि आप लिख सकते हो, द प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट ऑरेंज एप्पल इटीसी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू माइक्रोबियल डिजीज इन प्लांट। बहुत ऐसे माइक्रोबियल डिजीज होता है जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट होता है, वीट हो, ऑरेंज या कोई सा भी प्लांट होता है, उसमें जो आपका प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हो,
Certain microbes on entering into our body produce toxic substance. This lead to food poisoning. इसको अगर देखें तो मान लो ये आपका डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, इसमें है ना कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स है, इसमें हमारा हाउस फ्लाई आके बैठा, उसके ये उड़ कर हमारे घरों में जो खाना होता है अनकवर फूड उसमें बैठ जाता है। तो ये बेसिकली हाउस फ्लाई क्या करता है, यहाँ से हार्मफुल जो आपका बैक्टीरिया होता है उसको या हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यहाँ से यहाँ लेके आ जाता है, फिर ये जो मेरा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग खा लेते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो आप बेसिकली यही 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। अब जो नेक्स्ट है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिक्वेंसर मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का आपको डिफिनेशन लिख देना है। एंटीबायोटिक्स होता क्या है, मेडिसिन होता है जो कि हमारा जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है जिसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं उसको या तो मार देता है या उसकी ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता है। और इसी एंटीबायोटिक्स से हम लोग बहुत सारे डिजीज को क्या करते हैं, क्योर करते हैं। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो, दे आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। तो ये दो पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। एंटीबायोटिक्स भी कहां से बनता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है आपका। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये बेसिकली प्रोड्यूस कहां से होता है, कुछ बैक्टीरिया से या फिर फंगस से प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम लोग इसका प्रिक्वेशन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, हम लोग जो कंज्यूम करेंगे एंटीबायोटिक्स एक क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में ही कंज्यूम करेंगे। और दूसरा जो है उसका जो कोर्सेस है एंटीबायोटिक्स का उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप ये दो पॉइंट याद रख सकते हो प्रिक्वेशन में। इस चैप्टर में इतने ही एक्सरसाइज क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।